वकील साहब, ये मेरे घर और व्यापार के सारे कागजात हैं। ये संपत्ति मुझे अपने नाम करवानी है। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करता हूं। और कानूनी तरीका कहता है कि इन दस्तावेज पर तुम्हारे भाई और पिता के हस्ताक्षर चाहिए। हाँ वकील साहब, क्यों नहीं, वो दोनों चाहते हैं कि सब कुछ मेरे नाम हो, सब मैं ही संभालूं। बाबा की उम्र हो चली है, क्या पता वो कब तक रहे, और भाई वो तो अनपढ़ है, तो सबका यही कहना है कि अगर संपत्ति मेरे नाम रहेगी तो अच्छा होगा। बस एक छोटी सी विनती है आपसे, मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए क्या मैं कल आके कागजात ले जा सकता हूं? ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको यहां पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैं कल एक मुवक्किल से मिलने के लिए शिरडी आने ही वाला हूं, तो आपके कागजात लेते हुए आऊंगा। आप सुबह मुझे खंडोवा मंदिर के पास मिलिएगा। ये तो और भी सही रहेगा, धन्यवाद वकील साहब। काम तो मैं भी पूरे कानूनी तरीके से करना चाहता हूं, ताकि कल को जब कागज मेरे नाम हो जाएं, तो कोई भी उंगली ना उठा पाए, कोई मुझसे जमीन वापस ना ले पाए। साई, मैं पाठशाला जा रही हूँ। राधिका, आज थोड़ी देर से जाना। लेकिन तब तक पाठशाला का समय हो जाएगा। साई ने कहा है तो जरूर कोई वजह होगी। राधिका, मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई मुझे पढ़ाना शुरू किए एक महीना भी नहीं हुआ है, अभी से छुट्टी लेना ठीक नहीं है। साई ने कहा है तो रुकना चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ ऐसे कब तक बैठी रहूँगी? सुनिए जी। क्या राधिका जी आप ही हैं? जी बताइए। ये लीजिए, ये विनायक जी ने आपको देने के लिए बोला है। क्या है इसमें? ये तो विनायक जी आपको विस्तार से बता देंगे, मैं चलता हूं।
आ गई बैलगाड़ी। वकील साहब प्रणाम, कागजात तैयार हो गए? कागज भेज तो दिया मैंने। ये क्या कह रहे हैं आप, जब हम मिले ही नहीं तो कागजात कैसे दे दिया आपने? फांग खा के आए हो क्या? अभी अभी तो तुमने खुद कहा था कि कागजात तुम्हारी बहनी को दे दो। भांग मैंने नहीं लगता आपने खाई है वकील साहब, अभी तो मिले हैं आप मुझसे। ये कैसे हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें, मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ? शक्ल तुम्हारी, आवाज तुम्हारी, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं अपनी मर्जी से कागज किसी के भी हवाले कर दूंगा? तुम्हारी बहनी को ही तो दिए वो कागजात, वो भी तुम्हारे कहने पे। इसमें इतनी परेशानी वाली बात क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम्हें बड़ा विश्वास है उसके ऊपर, पर अब तो तुम इतने अस्वस्थ हो रहे हो जैसे तुमने कोई गलत काम कर लिया हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं उनसे खुद कागजात ले लूंगा, चलता हूं। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में कोई आदमी मेरा रूप धारण करके आया था? लेकिन कौन होगा और वो ऐसा क्यों करेगा? कागज वो विनायक भाऊजी वो सब अपने नाम पे कर रहे हैं, फिर से धोखा कर रहे हैं वो। शांत हो जाओ राधिका, मैं जानता हूं। मेरी ये समझ नहीं आ रहा, जब भाऊजी ने ये कागज अपने लिए बनवाए थे तो किसी से कहकर मेरे पास क्यों भिजवाए? राम जी की लीला राम जी ही जाने। तुम बस ये सोचो कि करना क्या है, ये बात खुद तक ही रखोगी या जाके उन लोगों को भी बताओगी? कहीं ये भाऊजी की कोई चाल तो नहीं मुझे फंसाने की? तुम्हारा मन साफ है तो फिर और कोई चिंता क्यों करनी? राधिका, वो तुम्हें पहले ही घर से निकाल चुके हैं, अब और क्या कर सकते हैं? पिछले कुछ दिनों में तुमने पूरे गांव का दिल जीता है। अगर वहां एक इंसान तुम्हारे खिलाफ है तो यहां पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन अब भी आखिरी फैसला तुम्हारा है, याद रखना राधिका। परीक्षा में अक्सर जो सवाल सबसे मुश्किल होता है उस सवाल के अंक भी सबसे ज्यादा होते हैं। मैं उन्हें सच बताऊंगी साईं, उस घर ने भले ही मुझे छोड़ दिया लेकिन मैंने उस घर को नहीं छोड़ा है। आज मेरे घर को मेरी जरूरत है, मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन साईं, क्या वहां कोई मेरी बात मानेगा? राधिका, सबूत है तुम्हारे पास, अगर अब भी वो नहीं मानते हैं, सब कुछ देखकर भी अपनी आंखें बंद रखना चाहते तो ये उनकी किस्मत है। राम जी उन्हें मौका दे रहे हैं और तुम्हें भी। मैं तुम्हें वही कहूंगा जो पहले कहा था, परीक्षा कठिन होने के डर से
परीक्षा ना देना तो ठीक नहीं। अगर कोशिश करोगे तो ही सफल हो पाओगे। मेरा शक सही निकला, ये जरूर घर की तरफ ही जा रही है। अगर ये वहां पहुंची तो सब उगल देगी। उस लड़की को देखा, उसके हाथ में जो कागजात हैं वो छीन के लाने हैं तुम्हें। लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ कागजात चाहिए। एक बार वो कागज मेरे हाथ लग जाए, फिर तुम छाती पीट कर भी सच बोलोगी तो भी कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। कागजात अपनी वहनी को मिलने पे इतना अस्वस्थ क्यों हो गया, जैसे कि कोई बहुत बड़ा भांडा फूटने वाला हो? मेरी अंतरात्मा कहती है कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मुझे पता करना होगा।
अरे भाऊ, क्या किसी लड़की को आते हो देखा क्या? नहीं तो कहाँ गायब हो गई? वो तो विनायक भाऊ ने कहा था उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना दो थप्पड़ मारते और सारे कागज खुद ब खुद दे देती। साई वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उन लोगों ने देख लिया तो? राधिका, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कहां भाग गई है वो, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम पीछे भी रास्ता है, चलो वहां देखते हैं। आओ, ये लोग मुझे कैसे नहीं देख पाए? साई, ये आपका चमत्कार था ना? चलो राधिका, तुम्हारा ससुराल आ गया है, कोई खतरा नहीं है, तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है, याद रखना मैं हर हालात में तुम्हारे साथ हूं, जाओ। आज तक आप शिरडी में मेरे आई बाबा की कमी पूरी कर रहे थे, आज आपका ऐसा रूप देखा जिससे मुझे ये भी यकीन हो गया कि भगवान भी मेरे साथ हैं। अब मैं दुनिया की हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। जा। मैंने एक गलती जरूर की है आप सबसे सच छुपा के, लेकिन ईश्वर गवाह है जब से शादी करके मैं इस घर में आई हूँ, मैंने इस घर को अपना समझा, यहाँ के सुख दुख को अपना समझा, मैं इस घर के कुल देवता की कसम खा के कहती हूँ, विनायक भाऊ आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। उन्होंने आपको गलत दवा भी दिलवाई, इस बात को साबित करने के लिए आप सौरभ जी से पूछ सकते हैं, और अब वो सारी संपत्ति अपने नाम पे करने जा रहे हैं। ये कागज देखिए, इस
इसे एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें झूठी समझा। तुम तो बड़ी चालबाज भी हो। देख लिया बाबा, मैंने कहा था ना आपको कि इसने सारे कागजात चुराए होंगे।